मध्य प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह भिंड जिले के मेहगांव में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मुख्य अतिथि के तौर पर वह मंच पर बोलने के लिए पहुंचे। इस दौरान बड़ी ही साफ गोई से उन्होंने स्वीकार किया है कि उनके नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में किसानों से वादा किया गया था कि सरकार बनते ही हर दशा में 2 लाख रुपए का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, लेकिन उनकी सरकार के नेता इस वादे को समय रहते पूरा नहीं कर पाए हैं। तो वहीं उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द किसानों को एक राहत मिलेगी, उनका कर्ज माफ किया जाएगा। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, परिस्थितियाँ विकराल है, इसलिए हमें पूरा कर्जा माफ करने में सरकार को देरी हो रही है। एक तो बता दो आपको, मध्य प्रदेश की सरकार से हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुखिया शिवराज सिंह ने बेतहाशा कर्जा ले लिया। जब दिग्विजय सिंह जी थे 10 साल उनका शासन किया, 2 साल पटवा जी ने किया, 1990 से जब विधायक है, जब भाग पटवा जी मुख्यमंत्री छोड़ के गए थे उस समय अंदर 5.5 हजार का कर्जा विकास कार्यो को लिया, कर्जा लिया था विकास कार्यो के लिए, वो कर्जा हर साल 2 हजार करोड़ का कर्जा सड़कों के लिए, स्कूलों के लिए, सिंचाई के लिए, बांध के लिए, बिजली के लिए, अन्य कार्यो के लिए अपने संसाधन इकट्ठे किए और केवल 2 हजार रुपए का कर्जा प्रतिवर्ष लिया। कुल मिला के 25-25 हजार कर्जा पटवा उनका मिला के शिवराज सिंह सरकार को था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो अब कैसा हो गया है, अब शिवराज सिंह ने 15 साल राज किया और हमारे मध्य प्रदेश के ऊपर 1,87,000 का कर्जा छोड़ के चले गए। इसके अलावा करीब 13,000 करोड़ रुपए और उधार कर गए जिन ठेकेदारों से काम कर रही है, मंडी बनवा ली, सड़क बनवा ली, बांध बनवाए और उनका कर्जा नहीं दिया। ठेकेदार आज लगातार घूम रहे हैं, अपनी बाकी रहे, तकादा कर रहे हैं जाके। अब उनको 13,000 करोड़ ये और करीब 16-17 हजार करोड़ कर्जा बिजली के ऊपर। सदाबल कौन सी योजना थी, संबल, संबल योजना, योजना कुछ नहीं थी, न 1 रुपया था उसमें, न बजट दिया, कई ऐसी योजना बनाई, नाम दे दिए, पैसा कुछ नहीं, हाथ न उठी, फड़फड़ाहट उठी।